आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइस जो भी हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं केसीईटी का 30 और 31 जुलाई को, तो उनके लिए मतलब कि ये वीडियो है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। साथ में मैं कोमेड के और नीट को इस बात से रिलेट करूंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको मतलब कि एक क्लियरिटी मिलेगी कि हमारा क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। तो देखिए हमारा क्या हुआ है, कल हमारी पीआईएल दर्ज करवाई थी NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारी हेल्प जब की थी सीबीएसई एग्जाम के टाइम पे, जेई नीट को पोस्टपोन करवाने के लिए हेल्प की थी, और आज उन्होंने पीआईएल दर्ज करवाई है हाई कोर्ट में कि हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है कि हमारे जब NSUI किस चीज को बोलती है तो मोस्ट लाइकली बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज हो। हमारा इसके रिगार्डिंग न्यूज तो शायद कल आए, लेकिन हमें अभी क्या करना है, देखिए पोस्टपोन हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मतलब डिसीजन गवर्नमेंट लेगी कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। लेकिन हमारा क्या है सीन, हम पढ़ सकते हैं, हम इन चीजों में अभी एक दो दिन बचे डाइवर्ट ना होकर अपने मतलब की लास्ट में जितना भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए जो मेन चीज है कि हमारा एग्जाम क्यों पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो मतलब की नीट के एग्जामिनेशन के लिए देंगे, अगर बाई चांस 5-6 दिन बाद पता चलता है कि हमारा स्टूडेंट केसीईटी का एग्जाम देने गया और उसके बाद वो इफेक्ट हो चुका था कोरोना से, तो 14 दिन का उनके लिए क्वारंटीन हुआ और 14 से भी ज्यादा दिन का हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो मतलब नीट की प्रिपरेशन उसकी मतलब खराब हो गई, जो मेनली स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है वो नीट के लिए करता है, तो नीट की प्रिपरेशन अगर उसकी खराब हो गई एट दी एंड टाइम पे, तो फिर तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, आप मतलब इस बात को समझिए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है हमारा केसीईटी का। कोविड के का क्या केस है, अगर देखिए केसीईटी बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया हमारा, मतलब कि अगर बाय चांस उन्होंने कंडक्ट करवा लिया, तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो जो कोमेड के का एग्जाम है उसी डेट को ले, अगस्त में जो मतलब कोमेड के का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर मतलब कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो शायद वो उसे भी करवा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो भी पोस्टपोन होना के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और जेईई नीट के भी चांसेस तो हैं ही पोस्टपोन होने के। तो मतलब जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तो आपको इस बारे में नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अभी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, एक दो दिन का टाइम हो जाए तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। देखिए अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कितने परसेंट चांसेस हैं हमारे केसीईटी के पोस्टपोन होने के, तो मोर देन 70% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना इतने केसेस में बहुत मुश्किल लग रहा है। जो भी एग्जामिनेशन कल वगैरह में हुए हैं उसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है अच्छे से, तो मतलब कि इस वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट की लाइफ को कंसीडर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और करना भी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।